फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। टाइटल है रतन टाटा जॉइंस पीएम मोदी इन हिज रैली इन असम, पीएम इनॉग्रेट 17 कैंसर हॉस्पिटल्स इन असम। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience, Assam ka bahut important din hai. Aaj आसाम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट फॉर ऑल दैट दे हैव डन। आई डेडिकेट माय लास्ट इयर्स टू हेल्प मेक Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much. आपके बहुमूल्य भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत के बंदर का नौ परिवहन और जलमार्ग। तो फ्रेंड्स, थोड़ा इमोशनल वीडियो था, खासकर उनकी एज को देख के ना। और उस पता नहीं कितने इयर्स के हो गए हैं, पर उनकी एज की वजह से दिख रहा था कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बोलने में, बट ही स्टिल केम। वो फिर भी आए हैं और उनने बोलने की कोशिश की है। जो उनके इमोशंस थे उसको समझने की जरूरत थी कि उनको था कि भैया, जो उनको ने वो लास्ट लाइन बोली ना कि मेरे लास्ट के जो एंड के इयर्स हैं उसमें मैं असम की हेल्प करना चाहता हूं, दैट वाज गोल्डन वर्ड्स। एंड ही आल्सो रियलाइजेस कि आखिरी में सबने जाना है, अच्छे काम करके जाऊं, कंट्री के लिए करके जाऊं। उनको और खुशी है क्योंकि बार बार जो आप स्पीच सुनोगे उसमें उनको यही था कि इंडिया को, असम को, मतलब कंट्री आगे जाए। और उन्होंने बाबा मोदी जी को थैंक यू किया है, गवर्नमेंट को थैंक यू किया है कि आपकी जो गवर्नमेंट आई है, उनको ऐसे फील होता है कि वो गवर्नमेंट एक्चुअली में कुछ कंट्री के लिए कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। तो वो मेन जो चीजें उन्होंने इतने कम टाइम पे जो बोल पाए, वो मेन जिस्ट था
वो देख के ना बहुत इमोशनल हो गई कि देखो इतने बड़े इंसान हैं और इतनी एज के बाद भी मोदी जी ने उनको खास बुलाया है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्री के साथ जो उन्होंने इतना कुछ डेडिकेट की अपनी पूरी लाइफ, जो भी आप देखो कितनी भी न्यूज थी कोविड के टाइम, सब भैया टाटा ये कर रहा है, टाटा वो कर रहा है, इतना आउट ऑफ द वे जाके हर टाइम क्राइसिस के टाइम टाटा ने आके हेल्प की है। तो वही उनको खास बुलाया और मोदी जी इवेंचुअली जब वो वापस आए स्पीच देके, मोदी जी खास उनके पास गए हैं, हैंडशेक किया उनका और फिर अपनी वापस सीट पे गए हैं। तो टू ग्रेट पीपल मैं कहूंगी और इट वाज इमोशनल कर दिया। राइट, देखिए कि उन्होंने बोला मेरे लास्ट इयर्स में बिल्कुल मैं अपनी कंट्री के लिए अभी भी काम करूंगा। ये बहुत ही इमोशनल बात थी कि उनको भी रियलाइजेशन है कि अब मेरे लास्ट इयर्स हैं और मैं फिर भी अपने देश का भला करूंगा। और वहाँ पे आके आपको नज़र आ रहा था कि उनको बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, फिर भी वो बोल रहे थे। और आसान की बात की उन्होंने रिपीट किया कि थैंक्स आपके लिए, और मोदी जी भी उनको आदर करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बुलाया था उनको। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखते हुए कि कितने डेडिकेटेड लोग हैं। अगर सभी लोग, सभी बिजनेसमैन ऐसे हों तो इंडिया कहाँ से कहाँ चली जाए। बिल्कुल, आप कॉन्स्टेंटली टाटा का ही नाम सुनते हैं, जब भी देश में कोई प्रॉब्लम आती है कि टाटा वहाँ पे ट्रक्स बना रहा है वैक्सीन के लिए, टाटा यहाँ पे फूड लेके जा रहा है, टाटा वो कर रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि ह्यूमैनिटी की बेटर करें। जब लोग कंपेयर भी करते हैं कि रिचेस्ट पीपल कौन है, उसमें जब जैसे ही टाटा का नाम आता है वो बोलते हैं टाटा का नाम जो है नीचे है, मगर अगर आप उनकी इंक्लूड करें जितना भी उन्होंने आज तक दान किया है तो सबसे टॉप में टाटा ही होंगे। ये बार बार लोग रिपीट करते हैं कि आपने ये सब बिजनेसमैन को देख लिया, मगर आपने ये नहीं देखा कि टाटा ने कितना डोनेट किया था। अभी तक सारा काउंट करिए इतना डोनेट किया है, कंपेयर टू ऑल लोग जितना डोनेट करते हैं एज गुड एज नथिंग, उसको ऐड करें तो सबसे ज़्यादा ही है। तो बहुत ही ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी एक रियलाइजेशन है कि हर इंसान ने ओल्ड होना है, मतलब मैक्सिमम अगर कोई नेचुरल कॉज से मरता है तो उसे ओल्ड होके ही जाना है। तो हमेशा याद रखिए कि आपका अंत कहाँ है, इसीलिए जिस इंसान को अपना ये पता होता है कि मैं टेम्पररी हूँ वो सही रहता है, कि उसको सिर्फ कार्य करता है, उसको किसी से लगाव नहीं होता क्योंकि उसे पता है ये सब तो यहीं छोड़ के जाना है। तो काफ़ी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी। कि और बहुत अच्छी बात है कि लोग भी बहुत आराम से बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए थे, सुन रहे थे, आराम से अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है हो सकता है उन्होंने इस ये हॉस्पिटल्स जो 17 बने हैं कैंसर के उसमें भी इनका कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी होगा, क्योंकि ही इज द काइंड कि वो जहां पे भी उनको लगता है कि ह्यूमैनिटी की हेल्प होगी इंडिया में वो वहां पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन यार, देख के अभी भी देखो इस एज में आना, खास बोलना, और मोदी जी ने उन्हें खास बुलाया है, उस बात को समझने की जरूरत है हमें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।